पुस्तक वायु प्रदूषण और तुलसी रोपण, लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वायु प्रदूषण की विभीषिका। इन दिनों बढ़ती हुई जनसंख्या एवं यांत्रिक गतिविधियों से वायु प्रदूषण का अनुपात असाधारण रूप से बढ़ा है। कारखानों तथा द्रुतगामी वाहनों में जो कोयला तेल जलता है उसका विषैला धुआं इस वायुमंडल में निरंतर बढ़ता जा रहा है। वायु प्राणी मात्र के लिए अन्न जल से भी अधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। जैसे जल या पानी के सहारे जलचर जीवित रहते हैं, उसी तरह हम सब हवा के समुद्र से प्राण संपदा प्राप्त करते हैं। जल विषाक्त होने पर मछलियों का दम घुट जाता है। वायु में घुलता और बढ़ता प्रदूषण पशु पक्षियों समेत मनुष्यों को भी घुटन का अभिशाप सहन करने के लिए विवश कर रहा है। वायु प्रदूषण के साथ विषैली सांस से आरोग्य नष्ट होने, रुग्णता का दौर उभरने, महामारियां फैलने के अतिरिक्त एक संकट तापमान बढ़ने का भी है। संतुलित तापमान से मौसम का नियंत्रित क्रम यथावत बना रहता है, किंतु यदि गर्मी की मात्रा बढ़े तो उसकी भयानक प्रतिक्रिया मौसम गड़बड़ाने के रूप में प्रकट होती है। अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ते हैं, जमी बर्फ पिघलती है और समुद्र की सतह ऊंची उठने लगती है। फलतः अग्नियुग हिमयुग जैसे प्रकृति प्रकोप उभरते हैं, जिनके कारण भूमि परिभ्रमण प्रक्रिया लड़खड़ाती है। भूकंप आते हैं और थल की जगह जल और जल की जगह थल आधमकने जैसे व्यतिक्रम खड़े होते हैं। भूतकाल में जब भी ऐसे प्रकृति विपर्यय उभरे हैं, प्राणियों का जीवन और वनस्पतियों का अस्तित्व संकट में पड़ा है। खंड प्रलय जैसी स्थिति बनी है। इन दिनों बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उन भूतकालीन विभीषिकाओं का नया दौर आने की आशंका है। त्रासदायक परमाणु विकिरण। युद्धोन्माद में प्रयुक्त होने वाली बारूद विषाक्त सामान्य धुएं की तुलना में हजारों गुनी अधिक भयंकर होती है। फिर पिछले दिनों अणु विस्फोटों का नया सिलसिला चला है। जापान में फेंके गए दो छोटे छोटे एटम बमों ने उन दिनों तत्काल कितनी हानि पहुंचाई तथा बाद में उस विकिरण से प्रभावित कितने व्यक्ति अपंग असमर्थ हो गए, विकलांग बच्चे उत्पन्न हुए। इसका लेखा जोखा ध्यान पूर्वक पढ़ने से कलेजा दहलने लगता है। जापान पर गिराए गए बमों की तुलना में हजारों गुना विकिरण उन परीक्षण विस्फोटों के कारण उत्पन्न हुआ है, जो जन थल और आकाश में अनेक देशों द्वारा निरंतर किए जाते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पर्यवेक्षण करके बताया है कि अब तक हो चुके अणु विस्फोटों के कारण उत्पन्न हुई विकृतियां ही ऐसी हैं जो सैकड़ों वर्षों तक कष्टकारक रहेंगी और पीढ़ियों तक त्रास देंगी। यदि यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो उसका प्रभाव एक प्रकार से महाप्रलय जैसा सर्वनाशी होगा। वायुमंडल की विकृतियां धरती और जल पर उतरती हैं और उनसे भी ऐसे तत्व फैलते हैं जो अन्न जल को भी वायु की तरह विषाक्त करके जीवन संकट उत्पन्न करते हैं। क्या हम चुप बैठे रहें? बिगाड़ने वाले जब इतने निर्भीकता पूर्वक विनाश पर उतारू हैं, तो देवत्व के पक्षधर लोगों के लिए यह उचित नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। यदि बिगाड़ने वाले हाथों को रोक सकने की सामर्थ्य ना हो तो कम से कम सफाई की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। यह सरलतम और सफलतम उपचार है। इतना तो नगर पालिकाओं के मेहतर तक करते रहते हैं। हम उतना भी कुछ ना करें और दूसरों के साथ जुड़े हुए अपने भाग्य भविष्य को पीढ़ियों के निर्वाह को अंधकार में बनाने में रोकथाम न कर सकें, तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।
यों होना यह भी चाहिए कि महाविनाश पर उतारू लोगों पर जनमत का दबाव डाले और इस सृष्टि का सर्वनाश करने वाले आतताइयों और आतंकवादियों को मनमानी न करने दें। जागृत लोकमत दोनों ही काम कर सकता है। रोकथाम तत्काल बन पड़ती न देखें तो भी परिशोधन प्रयोगों को हाथों में लेने का उत्साह तो प्रकट करेगी। हरितिमा संवर्धन को सार्वजनिक समर्थन। इस संदर्भ में सरलतम उपाय उपचार दो हैं, एक अग्निहोत्र प्रक्रिया, दूसरा हरितिमा संवर्धन। अग्निहोत्र के संबंध में मतभेद और विवाद भी हो सकते हैं, किंतु हरितिमा संवर्धन में तो आस्तिक नास्तिक का, धर्म संप्रदाय का, विज्ञान बुद्धिवाद का भी विरोध अवरोध नहीं है। उसे तो सर्वसम्मत उपचार की तरह सर्वत्र सरलता पूर्वक अपनाया जा सकता है। वृक्ष वनस्पतियों का यह गुण सर्वविदित है कि वायु में से अनुपयुक्त तत्वों को सोखते और प्राण वायु को निसृत करते रहते हैं। आरोग्य संपादन के उपायों में से एक यह भी है कि हरे भरे क्षेत्र उद्यान में रहकर प्राणप्रद वायु सेवन की व्यवस्था बनाई जाए। प्रगतिशील देशों में शोभा और स्वास्थ्य का समन्वित लाभ लेने के लिए घरों के साथ हरितिमा भी जोड़कर रखी जाती है। कई तो उस बागवानी को घरेलू विनोद मनोरंजन की तरह परिवार के सदस्यों द्वारा ही संपन्न करते हैं। माली का उपयोग तो मात्र मार्गदर्शन और सहयोग भर के लिए लेते हैं। यह एक सृजनात्मक पद्धति है। शिशुपालन पशुपालन की तरह हरितिमा संवर्धन के माध्यम से भी निर्माण और संवर्धन की तत्प्रवृत्ति उगती बढ़ती और परिष्कृत होती है। स्वभाव अभ्यास में इस प्रकार का समावेश होना बड़ी बात है। देखने में यह छोटी बात दिखते हुए भी वस्तुतः बड़ी बात है। मनुष्यों में जो महामानव बने हैं उनमें सृजनात्मक प्रवृत्तियां ही विशेष रूप से विकसित हुई हैं। हरितिमा संवर्धन के प्रचार का यह अति महत्वपूर्ण दूरगामी लाभ है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ईंधन और इमारती कामों के लिए लकड़ी की आवश्यकता बढ़ रही है। पेड़ कट रहे हैं पर नए लगाए नहीं जाते। ऐसी दशा में मौसम का संतुलन बिगड़ता है। अनावृष्टि से दुर्भिक्ष का माहौल बनता है। भूमि क्षरण और रेगिस्तान बढ़ने का संकट खड़ा होता है। क्या करें? जिनके पास अपनी जमीन है वे उसका एक भाग वृक्ष उगाने, पुष्प खिलाने और शाक उत्पन्न करने के लिए सुरक्षित रखें। मात्र अन्न और नकदी देने वाली फसलें ही पर्याप्त नहीं होंगी। जिनके पास अपनी जमीन न हो वे सरकारी या दूसरों की जमीन में मालिकों का स्वामित्व स्वीकार करते हुए उन्हीं के लिए अपने परिश्रम से पेड़ लगाएं, सींचें। पूर्वजों की तथा अपने द्वारा किए जाने वाले पुण्य परमार्थ के स्मृति में वृक्ष लगाना या पैसा देकर दूसरों से लगवाने का कार्य बहुत ही श्रेष्ठ और तत्परिणाम उत्पन्न करने वाला है। बच्चों के जन्म, विवाह आदि शुभ अवसरों की स्मृति चिरस्थायी बनाने के लिए वृक्ष लगाएं। घरों में शाक वाटिका लगाने का आंदोलन इसी अभियान का एक अंग है। वनस्पति से भी छोटे रूप में वृक्षों जैसे लाभ मिलते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है वे भी आंगनबाड़ी, छप्पर बाड़ी, छत बाड़ी के रूप में शाक उगा सकते हैं। साथ ही उससे मुफ्त में ताजे शाक मिलने जैसे आर्थिक लाभ उठाते रह सकते हैं। तुलसी आरोपण एक महान पुण्य कार्य। तुलसी रोपण को हरितिमा संवर्धन के प्रयासों का मुकुटमणि कहा जा सकता है। तुलसी में वायु प्रदूषण का परिशोधन करने की अद्भुत क्षमता है। उसके संपर्क से बहने वाली हवा में आरोग्यवर्धक अनेक विशेषताएं भरी रहती हैं। यहाँ तक कि मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू ही नहीं, सांप, बिच्छू तक को दूर करती हैं। औषधियों में
तुलसी को अनुपम एवं मूर्धन्य माना गया है। इसमें प्रायः सभी छोटे बड़े रोगों का उपचार करने की क्षमता है। तुलसी, काली मिर्च, गंगा जल के योग से गायत्री मंत्र जपते हुए छोटी गोलियां बनाकर रख लेने और उन्हें अनुपान भेद से विभिन्न रोगों में घरेलू चिकित्सा की तरह काम में लाया जा सकता है। वृक्ष वनस्पतियों के उगाने, पौधने, बढ़ाने की कला को अधिकाधिक विकसित किया जाना चाहिए। इसके द्वारा संबद्ध लोगों में सृजनात्मक कुशलता बढ़ती है, कलाकारिता, सौंदर्य वृद्धि एवं सुरुचि निखरती है, शिशुपालन जैसा आनंद आता है। पौधों की मैत्री से हाथों हाथ सुगंधित सुरभित प्राणवायु के रूप में जीवनी शक्ति का उपहार मिलता है। तुलसी रोपण में औषधियों के लिए प्रयुक्त होने वाली जड़ी बूटियों को उगाने बढ़ाने का भी एक अभिनव शुभारंभ संकेत है। इन दिनों बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए कारगर उपचार के इस संदर्भ में वनस्पति संवर्धन का उपचार यदि काम में लाना हो तो इसके लिए तुलसी रोपण को प्रमुखता देनी होगी। इसके पौधे हर आंगन में लगाए जाने चाहिए और इस आधार पर आस्तिकता एवं धर्म धारणा के संवर्धन का भी दूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। धातु या पत्थर से ही प्रतिमा नहीं बनती, वरन अक्षय वट, बोधि वृक्ष, देव अश्वत्थ की तरह पेड़ों और पौधों को भी भगवान की प्रतिमा मानकर उनको श्रद्धा संवर्धन का निमित्त कारण बनाया जा सकता है। तुलसी का बिरवा आंगन में एक सुसज्जित थामले के रूप में लगाया जाए और उसे खुले आकाश में सूर्य भगवान की, खुले पवन की, वरुण की, बादल की छत्र छाया में पलने वाला देवता माना जाए। वनस्पति मंदिर सच्चे अर्थों में एक पुनीत देवता है। धातु या पाषाण की प्रतिमा की तुलना में तुलसी का महत्व किसी प्रकार कम नहीं है। इस स्थापना का अर्थ है घर में भगवान के मंदिर का निर्माण कर लेना। इसमें कोई पूजा भी नहीं करनी पड़ती है, मात्र श्रमदान से ही सारा काम चल जाता है। थामले को जल्दी जल्दी पोतते रहा जाए तो उसका सुहावना रूप श्रद्धा संवर्धन की भूमिका भी संपन्न करता रहेगा। तुलसी बिरवा से श्रद्धा का पुनर्जीवन। इन दिनों वायु प्रदूषण की तरह चेतनात्मक वातावरण भी कम विषाक्त नहीं हो रहा है। वातावरण के परिशोधन में जिस धर्म श्रद्धा का पुनर्जीवन आवश्यक है उसकी पूर्ति तुलसी देवालय के माध्यम से बन पड़ती है। इस प्रकार तुलसी आरोपण में न केवल वायुमंडल के संशोधन की वरन आस्था संकट से घिरे हुए वातावरण से श्रद्धा संवर्धन की आवश्यकता भी बहुत हद तक पूरी होती है। एक प्रकार से दोहरा लाभ प्रदान करने वाले हरितिमा संवर्धन अभियान का शुभारंभ तुलसी रोपण के साथ करने की बात सोचनी चाहिए। इसके लिए बीज इकट्ठे करने, पौधा उगाने, लगाने का प्रचार करने के लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। उत्साह उभारा जाए और तत्काल सहायता देने के लिए प्रयत्न किया जा सके तो प्रज्ञा परिवार संकट की इस महती आवश्यकता को पूरी करने में भली प्रकार सफल हो सकता है। तुलसी को प्रतीक मानकर हरितिमा संवर्धन के कार्य का श्री गणेश एक व्यापक और विस्तृत प्रक्रिया है। वनस्पति हमारे लिए जीवन प्राण है। वह धरती से आहार, बादलों से जल, आकाश से प्राण वायु खींचकर जीवन संपदा के रूप में प्रदान करती है। इसलिए उसे पशुपालन, गोपालन की तरह ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तुलसी के साथ दिव्य औषधि की विशेषताएं तथा अध्यात्म परायण तथा भावनाएं भी जुड़ती हैं और इसके लाभ 3 से बढ़कर 5 हो जाते हैं। श्रद्धा आरोपण के लिए देव प्रतिमाओं को धातु पाषाण की अपेक्षा वनस्पति तुलसी के रूप में पूजा जाना उपयोगिता के साथ जुड़ता है। उसमें कृतज्ञता की एक नई भाव गरिमा का
समावेश होने से लाभ का अनुपात दोहरा बनता है। तुलसी के बीज बोने और नए पौधे लगाने के लिए अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त है। कार्यकर्ता भाई और विशेष रूप से बहनों को नए पौधे तैयार करने चाहिए और मोहल्ले, गांव, कॉलोनी आदि में घर घर पौधे बांटने का कार्य करना चाहिए। हर घर में 5-5 पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए। पौधे लगाने के लिए मिट्टी अथवा सीमेंट के गमले, पुराने टूटे घड़ों के निचले भाग, टीन के खराब पीपे, प्लास्टिक के टूटे डिब्बे, टूटी बाल्टी आदि का उपयोग किया जा सकता है। परिजनों को कम से कम 24 घरों में 5-5 पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए।